एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो है, मैं ब्लीच करने के लिए जा रही थी और मैं चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं हर कोई, जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, वो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। मैं भी नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन आज जो है बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं चलो मेरे पास टाइम था क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, मेरा काम जो है घर का वो ख़त्म हो गया, तो मैं चलो मैं आपके साथ जो है शेयर भी कर दूंगी और अपना काम भी कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं जो है ये पाउच लिख कर मंगवाया था मैंने करवा चौथ से पहले, और पता है करवा चौथ से पहले मंगवाया था, लेकिन मुझे इसको करने का टाइम नहीं मिला था तो मैं कर ही नहीं पाई। करवा चौथ पे भी मैंने ब्लीच फेशियल कुछ नहीं किया, और जबकि मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, और बस ऐसे ही टाइम नहीं मिल पाया था। तो ये ब्लीच रखी हुई थी, मैं चलो ये एक्सपायर हो जाएगी, मैं इसको कर लेती हूँ। तो ये जो पाउच है ये 20 रुपये का आता है, 20 रुपये में आप लोग अपने चेहरे को चमका सकते हैं। बहुत अच्छी ब्लीच है, ये है ओलिविया शाइनर ब्लीच, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप एक बार इस ब्लीच को ज़रूर ट्राई करें, और 20 रुपये में आप एक बार अपने ब्लीच कर सकते हैं। नेक तक इसको लगाएंगे, काफ़ी ब्लीच निकलती है इसमें, और जो है एक बार के लिए काफ़ी है। तो 20 रुपये में जो है आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी ब्लीच है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए कर लेते हैं ब्लीच, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला है, बच्चे आने वाले हैं। तो मैं अभी फ्री हुई थी, अभी आधा घंटा है बच्चों को आने में, मैं चलो आधे घंटे में मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ये लेकर आई थी, इसमें ना ये इस तरीके से ये है क्रीम, और यहाँ पर 3 पाउच निकलेंगे इसमें। तो ये क्रीम है ओलिविया की ब्लीच की, और ये एक्टिवेटर है, और ये है ब्लीच बूस्टर। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है और उसके बाद ब्लीच करनी है। आप चाहें तो एक्टिवेटर कम डाल सकते हैं, पहले आप चेक कर लें अपनी, आप यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है सूट कर रही है या नहीं। पहले आप लोग पहले इसको चेक कर लें, उसके बाद ही फेस पर लगाएं, क्योंकि फेस पर जो है बाद में ही लगाना चाहिए, पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले चेक कर लें। तो जो है मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पर अपने फेस को क्लीन करूँगी। तो ये मेरे पास है फेस क्लींजर, तो ये आयुर का है, और आयुर हर्बल डिप क्लींजर मिल्क, ठीक है। तो ये एलोवेरा का, तो ये हर स्किन के लिए है, हर स्किन मतलब ऑल स्किन टाइप है, तो ये हर स्किन के लिए सूट कर जाता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या फिर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, तो ये हर स्किन के लिए सूट कर जाता है। तो पहले मैं इससे क्लीन करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं, उससे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने फेस को ऐसे ही पानी से वॉश करें और अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद आप ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज़ करें, इससे क्लीन करें अपने फेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इससे क्लीन कर लूँगी अपना फेस, यहाँ मैं थोड़ा सा ये ले लूँगी, और ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है, ठीक है, और मैं जो है इससे अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। तो बिंदी हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने बिंदी को हटा दिया, और मैं फ़ेस क्लीन कर लूँगी पहले अच्छे से, क्योंकि फ़ेस क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेस क्लीन नहीं करेंगे तो ब्लीच जो है वो काम नहीं करती है, इसलिए ब्लीच से पहले आप फेस को पहले क्लीन कर लें। और लगभग 5 मिनट मैंने इससे मसाज की है, तो ये अंदर तक अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा फेस। तो बस अब मैं फेस वॉश कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं ब्लीच लगाऊँगी, ठीक। तो फेस मैंने वॉश कर लिया है, तो फेस मैंने वॉश कर अच्छे से इसको पोंछ लिया है, और जहाँ पर ना
अब हम लोग करेंगे ब्लीच को मिक्स। तो ये तीनों पैकेट मैंने निकाल लिए हैं, अब जो है हम इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रीम को कट कर लेंगे इस तरीके से। ये क्रीम हमने कट कर ली है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए पूरी ही क्रीम निकाल लेनी है हमको। तो देखिए पूरी क्रीम मैंने इसमें निकाल दी है। अब ये एक्टिवेटर है, मैं ये भी इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कांच की बाउल ली है, इसी में जो है हम एक्टिवेटर डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्टिवेटर है, वैसे पूरा ही डालना होता है लेकिन मैं इसमें आधा डालूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आधा डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने ये बचा लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप पूरा डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा आधा डाला है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमको। ब्लीच बूस्टर है ना, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तीनों ही चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथों से ही मिक्स कर दिया है, क्योंकि हाथ मेरे क्लीन थे, मैंने धो लिए थे और जो है ना अभी मैंने क्लिंजिंग भी किया था, तो इसलिए हाथ तो मेरे साफ हो गए थे। तो फिर बस इसीलिए मैंने जो है हाथों से कर लिया, क्योंकि इसके साथ ना वो स्पैचुला जो आता है वो नहीं आता, तो इसलिए फिर। और ये अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। और मिठू बोल रहा है पीछे से, वो कह रहा है ये क्या बात कर रही है। तो यहाँ पर ये तीनों ही, मतलब थोड़ा सा ना इसमें एक्टिवेटर रह गया है, बाकी तो मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया, बस एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है ना मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है। वैसे तो इस पर तो यही आता है कि एक्टिवेटर फुल मिला लीजिए, मतलब जो भी तीनों चीज़ें निकली है वो आपको पूरी पूरी इसमें मिक्स करनी है, लेकिन मुझे ना एक्टिवेटर ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैंने आधा एक्टिवेटर मिलाया है, आधा रहने दिया है। तो इसको ना मैं यूज़ कर लूँगी मैनीक्योर पेडीक्योर करने में। और अगर मैनीक्योर पेडीक्योर की आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना, मैं वो भी आपको बताऊँगी। काम सारा ख़त्म करने के बाद बैठी हूँ मैं, वरना काम पड़ा रहता है ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, पहले काम कर लो काम कर लो। अब मैं, चलो बच्चे भी नहीं हैं और काम भी नहीं है तो मैं अपना ही कुछ कर लेती हूँ, अपना नहीं कर पाती मैं। शादी से पहले लड़कियाँ फिर भी अपना ध्यान रख लेती हैं, लेकिन शादी के बाद ना लड़कियाँ अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाती। तो हमेशा ना ब्लीच जो है उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी आपको इरिटेशन होगी क्योंकि ब्लीच है तो वो तो थोड़ी सी करेगी ही, लेकिन ये है कि और आपको ना सिर्फ 5 मिनट रखना है, 5 मिनट रखने के बाद इसको हटा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने जो है ब्लीच लगा ली है, और कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही हूँ मैं तो ब्लीच मैंने लगा ली है और अब मैं इसको 2 मिनट ऐसे ही छोड़ूंगी। 2 मिनट बाद मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा रब करूँगी इस तरीके से, और ये ज़रूर करना चाहिए इस तरीके से ना, ब्लीच बहुत अच्छे से जो है होती है। तो यहाँ पर 2 मिनट बाद मैं इसको रब करूँगी,
और देखिए सारी ना गर्दन तक हुई है अच्छे से। बहुत मतलब एक पाउच में आप आराम से एक बार की ब्लीच कर सकते हैं और अच्छे तक नेक तक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी है, 20 रुपये में क्या बुरी है, 20 रुपये में काफ़ी अच्छी है। और रिज़ल्ट आपको मैं अभी दिखाऊंगी, रिज़ल्ट आप देख ही लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा रब करूँगी। तो यहाँ जो आइस है ना, यहाँ हमने उस टाइम में लगाई थी, थोड़ी थोड़ी अब हम इस तरीके से लगा देंगे। 2 मिनट बाद आपको ज़रूर करना है। और अब 2 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट इसको और रखेंगे, यानी कि हमको 5 मिनट इसको रखना है, या फिर आप 6 मिनट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। पर मैंने फेस वॉश कर लिया है और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से इतनी देर में, तो यह है फाइनल काम अभी नहीं हुआ है। मतलब मैं सोच रही थी कि जब तक बच्चे आएंगे मैं फाइनल कर लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आ गया, क्योंकि ब्लीच ना हमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्लीच लगाते हैं और ब्लीच करने के बाद में ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जो है ब्लीच का यूज करने के बाद या तो हमें जो है जेल लगाना चाहिए, जैसे कि ये है मेरे पास एलोवेरा जेल, तो ये लगाना चाहिए, ख़त्म होने वाला है, मंगाना है मुझको ये, या फिर आपको पैक लगाना चाहिए, जैसे मेरे पास ये एक पैक है, और या फिर आप घर पर पैक बनाकर लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है, ये है ऑरेंज पिल पाउडर, तो ये ऑरेंज का पाउडर है, और ये मेरे पास जो है मुलेठी होती है ना, उसका पाउडर है ये, तो ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, और जो है आप इसका भी बनाकर लगा सकते हैं, और मतलब पैक बनाकर लगा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको ये लें, ये लें और ये, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें जो है मलाई यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ करें। तो यहाँ पर जो है मैं पहले तो ये जेल लगाऊंगी, ठीक है, और अगर आप स्क्रब करना चाहते हैं इसके बाद तो आप स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना एक दिन छोड़कर एक दिन स्क्रब करती हूँ, तो मैंने जो है कल ही स्क्रब किया है, तो मैं आज स्क्रब नहीं करूँगी। मैं फेस जब नहाती हूँ ना उससे पहले स्क्रब करती हूँ, एक दिन छोड़कर, जैसे कि एक दिन किया और एक दिन बीच में गैप किया, फिर दूसरे दिन किया, इस तरीके से मैं स्क्रब करती हूँ। तो स्क्रब मैं आज नहीं करूँगी, मैंने कल किया है स्क्रब, तो मैं जो है ये वाला जेल लगा रही हूँ, इससे ठंडक भी पहुंचती है स्किन को, और दूसरा जो है ब्लीच हमारी स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं करती। तो मैं थोड़ा सा ये लगा लूँगी, और ये लगाने के बाद जो है आप पैक लगा सकते हैं, या फिर पैक लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं। तो जो है मैं पैक नहीं लगा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, पैक लगाने में लगेगा टाइम थोड़ा सा, तो मैं सिर्फ यही लगा लूँगी, ठीक है। अभी रुको एक मिनट, तो पैक मैं लगाऊंगी शाम को, ठीक है, पैक नहीं लगा रही मैं अभी इस टाइम पर, पैक मैं रात में लगा लूँगी। तो अभी ना ये मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एलोवेरा जेल ले लिया है, येलो वाला, और ग्रीन वाला जो होता है ना वो वाला जेल फेस पे नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आप पैक में मिलाकर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए हमेशा यही वाला जेल यूज़ करना चाहिए, ये वाला जेल बेस्ट होता है फेस के लिए, और वो जो ग्रीन वाला होता है ना वो बालों के लिए बेस्ट होता है, जैसे आप ऑयल में मिलाकर उसको लगा सकते हैं, या फिर आप जो है उसका टोनर बनाकर रख सकते हैं, अगर आपके बाल जो हैं ड्राई हैं तो आप टोनर बनाकर उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेल लगा लिया है, और जेल लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि ब्लीच लगाने के बाद ना एकदम हल्की हल्की सी मतलब जलन सी होने लगती है फेस पे, तो वो बिल्कुल नहीं हो रही है अब, और आप फर्क देख सकते हैं जो है फेस पर, तो काफ़ी आ गया है फर्क, ये देखिए। अभी खोल रही हूँ बेटा, 2 मिनट, बच्चे आ चुके हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैक नहीं लगाया, पैक को लगाने में थोड़ा सा लगता टाइम, अब बच्चे आए हैं इनको थोड़ा सा देखूँगी मैं, और खाना वाना दूँगी इनको, और फिर ये लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो इसलिए मैंने पैक नहीं लगाया, पैक मैं शाम को लगा लूँगी। और कोई नहीं है, मैंने जेल लगा लिया, जेल आप कुछ भी लगा सकते हैं ब्लीच को करने के बाद, या तो आप जेल लगा सकते हैं,
या फिर आप जो है पैक डायरेक्ट पैक लगा सकते हैं, या फिर आप स्क्रब कर सकते हैं। ब्लीच करने के बाद आप स्क्रब कर लें, उसके बाद आप जेल लगा लें, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप जो है मिट्टी आई गाइस खाओगे हेलो हेलो रखो अंदर जाके रख दो ठीक है। तो मैंने निकाला तो ये सब सामान था, मैंने कहा मैं साथ के साथ अपना मसाज भी कर लूँगी थोड़ी सी क्रीम व्रीम लगा कर। लेकिन भाई ये कि बच्चे आ चुके हैं, अब बच्चों को थोड़ा सा देखना है तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। रात को करूँगी मैं बाकी का काम। तो मैंने जेल लगा लिया है और अब मैं बच्चों को देख लेती हूँ, उसके बाद में बाकी का काम करूँगी मैं रात में लगाऊंगी। और ये जो है ना, ये मेरे पास एसेंस पड़े हुए हैं, ये है रोज़मेरी एसेंस और ये लेवेंडर एसेंस। तो ये भी आप एक ड्रॉप्स दोनों में से डाल सकते हैं। और ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बालों अगर आप ऑयल में मिलाकर भी इसको लगाएंगे तो बालों में बहुत, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। तो ये मेरे पास एसेंस थे, मैं जो भी है अब मैं फटाफट से अपना कर ही लूँगी। लेकिन वही है कि बच्चे टाइम से आ गए हैं और मुझे पता था कि टाइम लगेगा इसमें करने में, क्योंकि पूरा जब हम करने बैठते हैं ना फेशियल ब्लीच कुछ भी, तो मतलब 1 घंटा मानकर चलिए, और मैं बैठी थी बच्चों के आने से आधे घंटे पहले। तो मैंने चलो थोड़ा थोड़ा फटाफट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी मसाज। और अगर आप ठीक से कर रहे हैं ना फेशियल वगैरह या कुछ भी, तो उसमें टाइम लग जाता है। और ये एक्टिवेटर रख दूँगी मैं संभाल कर, जब मैं मैनीक्योर पेडीक्योर करूँगी तो मैं इसका यूज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और ये जो कूड़ा है जो भी ये सब डाल दूँगी डस्टबिन में। ये कॉटन बॉल है तो इन्हें भी डाल दूँगी मैं। तो चलिए फटाफट से बच्चों को भी देख लेते हैं और आपको मैं पास से दिखाती हूँ थोड़ा सा फेस। तो देखिए फेस में आपको लग रहा है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है ब्लीच करने से, और मुझे तो लग रहा है काफ़ी फ़र्क लग रहा है। वाकई में करने से फ़र्क पड़ता है फेस पे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। अगर हम फेस पर कुछ करते हैं फेशियल या ब्लीच तो फ़र्क दिखाई देता है, और ये चीज़ें ना हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते।